अब बात करते हैं इंदौर की, जहां महिला ने कानपुर में रहने वाले पति और ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पति के वहसीपन की कहानी उसने पुलिस को बताई है। शादी के बाद कानपुर में सुहाग रात पर होटल ले जाकर ओरल और अननेचुरल सेक्स किया था। उसके बाद उसके न्यूड वीडियो भी बनाए थे। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की मांग करने लगा। जब ससुर को पति की हरकत बताई तो उसने भी जबरदस्ती की थी। सास और ननद को सब कुछ पता होने के बावजूद उसे चुप रहने के लिए धमकाती रही। इंदौर के पॉस कॉलोनी में रहने वाली 30 साल की महिला 1.5 साल से पति की हरकतों को झेल रही थी। परेशान होकर वह इंदौर अपने मायके आई और परिवार को आपबीती बताई, जिसके बाद वकील से बात की और लसोड़िया पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया था। महिला पुलिस ने पति ससुर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर मामला कानपुर पुलिस को सौंपा है। टीआई ज्योति शर्मा के मुताबिक महिला ने पति के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। उसने बताया कि 10 दिसंबर 2018 को इंदौर के एक गार्डन में उसकी शादी कानपुर निवासी युवक से हुई थी। पिता ने दहेज में 40 तोला सोना, लग्जरी कार समेत अन्य सामान दिया था। ससुर को पूरी बात बताई तो उन्होंने प्रेग्नेंट करने की बात कहकर बहू को कमरे में धक्का दिया और अश्लील हरकतें की। महिला ने पति की हरकतों की शिकायत सास और ननद से की तो वो भी चुप रहने के लिए धमकाने लगी। महिला ससुराल वालों से परेशान होकर पिता के बाद से इंदौर लौट आई। उसका कहना है कि शादी के बाद खरीदे गए कुछ सोने के जेवर मिलाकर करीब 90 तोला सोना ससुराल वालों के पास है।